गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस सुबह हो गई है और गया था अभी नाश्ता लाने। नाश्ता लेकर तो मैं आ चुका हूँ, अभी बस जा रहा हूँ ऊपर रिटर्न घर पे। तो देखते हैं आज क्या है क्या नहीं है और मिलता है। सो गाइस सुबह से मैं नाश्ता वाश्ता करके बेडरूम में ही थी, बस लेटी थी। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उठूँ मैं नहाऊँ, क्योंकि इतना कल वो मिस नॉर्मल चढ़ के भी आई और मेरा पूरा पैर ना इतना पूरा सूज गया। तो मैंने बोला कि आज मैं स्किप करती हूँ, बिकॉज मौसम भी थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा ऐसा हो गया, तो अभी मैं बीमार हो जाऊँगी, तो आज मैं स्किप कर रही हूँ। देखो सीधा नहाना। तो क्या है ना, अभी खुल खुल के ही बोलना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या कर सकते। हालत देखो, स्किन की हालत तो पूरी थजिया उड़ गई है, नाक सूज चुकी है फिर से। और अभी कैफ कर रहे हैं लोबाना, जो मेरा था कैफ ने पूरा काम करे, मेरे को नाश्ता बर्तन वर्तन पूरी चीज़ करे, लादे भी पहुँचे आज, और बेडशीट भी बेडरूम की चेंज करके दिए मुझे। तो आज बहुत कैफ ने मदद करा है, मैं मदद तो नहीं, पूरा काम कैफ ने ही करे। और अभी कैफ की बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बार बार है ना, कैफ जब भी आता ना वो कोने में चली जाती है, कोने में जाकर ना पर हिलाने लगती है। तो समझ नहीं आ रहा है कि वो हीट पे है या फिर क्या है, पता नहीं। तो मोस्टली तो हम लोग ऐसे ही लग रहा है, कैफ वही बोल रहे कि मेरे को जाना है, बट मेरे में ना हिम्मत ही नहीं हो रही है कि सुबह से मेरे को बोल रहे कि चल जाएंगे कहीं, बट मेरे को ना हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं नीचे भी उतर पाऊँ। मेरी तो एकदम हार्ट अटैक, में अभी भी बेडरूम में लेटी थी, फिर मैंने बोले लोबान करे तो बाहर आ जाती हूँ थोड़ा, तो जस्ट अभी बाहर आई हूँ। और ये बोलना था कि यार देखो, मैं कल डॉक्टर के यहाँ पर भी गई, तो डॉक्टर से तो मैंने बात करी नहीं, गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो कैसा होता ना कि ऐसा खुल के, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उनके पास जाना आना चालू किया है, और मैं इतना जल्दी उनसे खुल के बात नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी इंसान से इतना जल्दी खुल के बात नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने बात ही नहीं कर पाई। और मुझे एक IVF करके कुछ पता है कि कुछ एक, हाँ IVF करने से भी कंसीव होता है। तो गाइज आप लोग IVF क्यों नहीं ट्राई करो, जो जिनको 6-7 साल हो गए उन लोग एक बार एटलीस्ट IVF ट्राई करो। जो पायल मलिक है, कृतिका मलिक है, उन लोग ने भी IVF किया था। फिर प्रिंस क्या है पूरा नाम उसका, प्रिंस नरूला, हाँ प्रिंस नरूला की वाइफ ने भी IVF किया, उसने भी वीडियो बनाया हुआ है। दीपिका पादुकोण ने भी IVF किया हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जो इसमें है ना, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मोस्टली उन लोगों ने IVF ही किया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को भी काफ़ी टाइम तक बच्चे नहीं हुए। तो आप भी एक बार ट्राई करो, शायद उससे कुछ हो जाए। और मैं तो आप लोगों को स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि गाइज मैंने तो कुछ इलाज नहीं कराया, मैंने बस अल्लाह से मांगा और वो अल्लाह ने मुझे अता करे। और देखते हैं, अभी मेरे को भी अभी एक दो जन है, मेरे को डॉक्टर से बात करने थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। और कल गाइज मैं चढ़ के जो आई हूँ नौमाला, मेरे को मालूम है मेरी हालत क्या हो चुकी है, बस कोई ना ठीक हो जाऊँगी। मैं थोड़ा मुँह हाथ धोती हूँ, क्योंकि पानी भी एक तो पता है सुबह से नहीं आ रहा था, अच्छा टाकी भर भर के रख रहे हम लोग, तो बोलते ना पानी रह रहा है, वरना तो पानी भी नहीं रहेगा हमारे पास। क्या मालूम क्या पागलगिरी चल रही है, लाइट चली जा रही है, पानी चला जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग के यहाँ पर भी ऐसी सब चीज़ें हो रही है गाइस, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो अभी बस कैफ तो लोबान कर रहे हैं, तो लोबान हो जाए फिर उसके बाद मैं आप लोग से। सो गाइस ये केक आया था, ये कल आया था गाइस, और इस पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का एक वो क्या बोलते हैं इसको, टैग एड्रेस, इस पे एड्रेस। और ये केक है ना जो एग्जीबिशन था, क्या नाम है, क्वीन ईस्टा, हाँ क्वीन ईस्टा एग्जीबिशन था ना, वहाँ से वही ग्रुप में से कोई किसी ने बेचा है, ठीक है। और उन्होंने पहले भी हमारे लिए बहुत कुछ नाश्ता भेजा था, तो उनको मैंने बता दिया था पहले ही, वाह ये होता तरीका, गलती से खुल गया, ये हमारे इधर का तरीका सर। गाइज एक चीज बता दूं मैं आपको, शिरिन को यहाँ का केक काफी पसंद है। खोलो, क्यों पूछो,
क्यों? क्योंकि शादी से पहले आपके लिए जो चीज के गाते थे वो यहीं से। चलो फेंको मत, लॉक खोलो। हाँ अच्छा बेटा सही है लाल, मुंह कैसा दिख रहा है रे, सही है लाल। वाओ बहुत प्यारा केक, बहुत ही प्यारा केक है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पेरेंट्स टू बी। ये हम बनने वाले हैं अम्मी अबू। प्यारा केक भेजे, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू में आपने जो हमें भेजा इतनी मेहनत करके, तो मैं मेहनत करके आपकी मेहनत जाया नहीं होने दूंगा, मैं अब भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। देखो पूरी मेहनत मेरी है, हाँ पेट में बच्चा मेरे और ये आदमी केक काट रहा है। गिर जाऊंगा, अरे गिर जाऊंगा यार, लेना आशीर्वाद, एक्टिंग मत किया कर। यम्मी मम्मी मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है गाइस, वन सेकेंड थैंक यू। ये मेरे लायक का केक है, मुझे ज़्यादा स्वीट अभी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे डार्क चॉकलेट टाइप पसंद है, तो मुझे केक बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इसको ठूसती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। देखो हम, प्यारा मौसम हो रहा है और सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है सनसेट। मुझे ना ऐसा मौसम बहुत पसंद है, और जब से ना मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो तब से तो ऐसे वाले मौसम कुछ और ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे। ऐसा लगता है सुकून लगता है, बस ऐसा लगता है कि यार काश ये बालकनी में ऐसा झूला वूला होता, तो मैं बस वो झूले में बैठती, थोड़ा झूलती, थोड़ा इंजॉय करती। और माशाल्लाह ये देखो मेरी मिर्ची के झाड़ को, कितनी सारी मिर्ची आ चुकी है, ये वाली तो पक गई है, लाल हो गई, ये वाले भी हो रही है। तो मैं अभी जो मिर्चियाँ जितनी भी आएगी ना, मैं सबको तोड़ूंगी इस बार, और इस बार पक्का तोड़ के ना थोड़ा सा ही सही पर एक ठेसा बनाऊंगी थोड़ा सा मिर्ची का, ये वाले ट्राई करेंगे। मैं यार किस किस को ऐसा मौसम पसंद है ज़रूर बताना, हल्की हल्की हवा चल रही हो, बाहर ठंडा जैसा मौसम हो, और ये सनसेट। हाय 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 नी, मैंने ये तो बताया ही नहीं यहाँ पर, देखो ये मैंने कांड किया है, एस के लिखा हुआ है स्प्रे बॉटल से, ये कलर स्प्रे से, यहाँ पर एस के लिखी शिरिन खान। ये बैठने का तरीका होता है आदमी का, बताओ गाइस मेरा घर। हाँ हाँ कोई तो ना कुछ बना रहा है, भाजी रोटी हो रही है, कुछ तो खुशबू आ रही है। मैं ना डेली आप अगर खड़ती हूँ और खुशबू आती ना, क्या मैं हर खुशबू बता देना कौन क्या बना रहा है कौन क्या नहीं। और प्रेगनेंसी में तो कुछ ज़्यादा ही फटाक से मुझे खुशबू आ जाती है कि यार कोई तो भाजी बना रहा है, ये वाली भाजी बना रहा है, मुझे बहुत पसंद है यार भाजी रोटी खाना। पर मुझे मेरे हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आना, मुझे बस ऐसा लगता है कि यार किसी और के हाथ का खाना को, पर घर का खाना को, बाहर का खाना तो मुझे मार रहा है। सो गाइस बाहर का आप मौसम देख सकते हो, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, पूरा रेड हो चुका है ये पानी। काकू के यहाँ से, काकू के यहाँ पर गई थी मैं, तो बोली कि केक है तो रोमानी लोग है छोटे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे लोग, तो बोली खा लेंगे उन लोग, तो थोड़ा सा उन लोग को देने गई, तो वो देखे बस ऐसे नीचे उतर रही थी आंटी के यहाँ पर ना, तो काकू के यहाँ पर थोड़े एक दो आंटी बैठे थे, देखो ये होएगा बेटा आएगा बेटी होगी, उन लोग का चल रहा था, तो एक ऐसा खाने मन करता है वो खाने मन, मेरे को कुछ भी खाने मन नहीं करता। तो अभी मैं जस्ट उठी खटी है पैसे, तो मैं ऐसा उठ के ना आगे बढ़ने लगी, तो एक आंटी मेरे को रुकाई, बोली बचपन से मुझे देखते ना, तो रुकाई बोली रुक रुक रुक, तेरे को तेरे आदमी को बोल देना तेरे को बेटी चाहिएगी। तो मैंने बोली क्यों, तो पहला तो ना लेफ्ट लेग उठाई, मेरे बड़ी ये भी लॉजिक होता है मुझे मालूम ही नहीं था, तो लेफ्ट लेग से जो अगर पहला चलता है तो उसको लड़की ही छोड़ती है, अल्लाह जो दे उसमें खुश है। सो गाइस निकल गए काकू के वहाँ से और बिल्डिंग के नीचे आ गए, तो मैडम आ गई जूस पीने, जब तक ये यहाँ पे जूस पी रही है मैं वहाँ पे दही पूरी खा लेता हूँ, मेरे को भूख लग रही है, पी ले चल फटाफट।
अभी जैनब और कैब जा रहे हैं कुछ काम से, कि कुछ हो गया और वो चीज़ हम लोग ने बताई थी कि वो चीज़ वहाँ पर है करके, जैनब की एक चीज़ थी तो वहाँ पर है करके मैंने मम्मी को बताई थी और मम्मी ने लगता शायद बोली, तो अभी कैब बोले कि पहले ही बोला था ये वो दीदी मम्मी को ये वो करके, तो अभी इसके लिए कैब लेके जा रहे हैं। और बगीरा लोग सारे देखने के लिए तो लोग आते हैं जब तक मैं ऊपर जाते हैं। सो गाइस आज तो मैं काफ़ी बीमार हो गई क्योंकि कल जो मैं इतना चली वली ना तो कहीं जाने मिला नहीं, और अभी मम्मी के यहाँ पर थे थोड़ी देर बैठे और फिर ये सब अश्लील हरकतें करती है और करने हो ना और करने हो तो आज भी तू आगे नहीं ले सकती है। दोनों में कचरा डालती हूँ ना वो हड्डी तो टाइसन के, तो उतने में अम्मी के यहाँ पर थे, अम्मी के यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम वाम था वो सब कैफ के पता नहीं क्या हिसाब हिसाब का वो सब करे, वो सब करने के बाद अभी बस अम्मी तैयार होके गए कुछ काम से और कोई गेस्ट भी आए अम्मी के पर्सनल, सो उनके साथ अभी अम्मी गए हैं बाहर और क्या, और अभी तो अम्मी ने मेरे लिए मंगाया है आज अरेबियन चिकन से अरेबियन लेबनीज मुर्गी, अरेबियन लेबनीज पता नहीं कौन सी बोल रही हूँ मैं, वो मंगाया है तो अभी घर पर जाती हूँ और आप लोग से घर पर मिलती हूँ। आज तो मैं समझानी से मिली नहीं यार। गाइस कैब को खाना है तंदूरी रोटी बटर चिकन है घर में, तो बोले कि मैं उसके बाद तंदूरी रोटी खाना चाहता हूँ, मैंने बोला ठीक है, तो अभी तंदूरी रोटी लेने गए कैब फटाफट लेके आ फिर हम घर जाते हैं। बाबा गाइस आ गए हम बिल्डिंग के नीचे, बच्चों को डाल रहे अभी खाना, ये टकला है ना बिल्डिंग के बाहर से हमारे पीछे पीछे आ रहे, जा ना बटली खा लेना बेटा, इन लोग का तो मेरे को यही नहीं समझ में आता, लोग हर एक डेढ़ दो महीने के बाद पेट से ही दिख रहे सब मेरे घर, क्या हो गया क्या मन हो गया, सब गाबन चल रहा है। अरे घर की चाबी है, जाना अंदर चलो ठीक है गाइस, ऊपर एट अ टाइम ले नहीं सकते, ऊपर घर पे आके आपसे मिलते गाइस, मुझे फ़ोन आ रहा है ये टाइम पे, किसका आ रहा है, अच्छा समदानी कर रहा है, हेलो 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 हेलो, हाँ बोल ना बेटा, जिम का प्रोटीन पाउडर, अच्छा तू मेरे लिए निकाल के रखा है तो मेरे को डंबल जंबल्स नहीं देगा, ठीक है कल आके लेके जाता हूँ, ओके ले ले, घर पे आके वीडियो कॉल करता हूँ, घर पे आके वीडियो कॉल करता हूँ, मक्कू को दिखाता हूँ तेरे को, ओके आई लव यू, ठीक है। सो गाइज रात को व्लॉग का एंड नहीं हुआ था तो मैं सोचा चलो अभी शूट कर रहा था मैं, तो मैं बोला व्लॉग का एंड कर देता हूँ, व्लॉग एडिट करके अपलोड भी करना है क्योंकि, तो सीन ऐसा है ना गाइज कि प्रेगनेंसी का टाइम है तो ज़्यादा बाइक पे ट्रैवल नहीं कर सकते और बारिश कभी भी आ रही जा रही है, तकरीबन दो दिन से बारिश लग चुकी है वापस से, तो ऐसी हालत में शेरिन को कहीं लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है तो हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, और आज का जो ये व्लॉग है ये ज़्यादा करके घर के घर में ही ख़त्म हो गया, सो वी एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि हम जैसे बाहर जाएंगे या ऐसा कुछ भी, तो वी एक्सट्रीमली सॉरी कि उस एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे नहीं उतरे, बट हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले दिन यानी कि आज के दिन देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो कहीं ना कहीं निकलते हैं, फिर देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। सो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शेरिन ब्लॉग्स, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, अल्लाह हाफिज़।